जैसे अगर मैं इसको और ज़्यादा डेटा भरूँ और फिर मैं ऊपर जाके पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, किसी भी चीज़ में कोई भी एडिटिंग करने से पहले उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये मूव टूल जब आता है इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ बढ़ा देता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो है इसको कर्सर सिलेक्शन बोलते हैं। मूव सिलेक्शन तब आती है जब हमारे पास मूव टूल विजिबल हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें मूव करना है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि पेंट में हमने पढ़ा था, नो हमने वर्ड पे भी पढ़ा था, जब हम इंसर्ट पिक्चर करते हैं, जब हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस यूज़ करते हैं, तो जब तक कोई भी चीज़ हमें अगर मूव करनी है वर्ड में तो हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं, फिर मूव टूल जब दिखता है तो हम उसको मूव करते हैं। तो जैसे कि ये ऑप्शन है, मैं मूव करूँगा और इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा के में, तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और फिर मैं डबल क्लिक करके इसकी विड्थ बढ़ा दूँगा। ये तो ये हो गया, ये मेरा देखिए कर्सर सिलेक्शन है, मतलब सेल सिलेक्शन, सिंपली जिस सेल पे मैं जाऊंगा ये उसको सिलेक्ट करता जाएगा। और ये मेरा मूव टूल आ गया, मैं इसको वापस ले आऊंगा यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे। और एक आपको छोटा सा यहाँ पे डॉट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ चीज। यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रही होगी ग्रीन स्क्वायर करके, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये प्लस साइन आता है। तो अगर हम ऐसे ही नीचे चलते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉपी पेस्ट करता जाएगा। कंट्रोल जेड करके अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, देखिए क्या होता है, तो ये सब कॉपी करता है। इसका एक और तरीका है, अगर आपको यही चीज़ नीचे तक सीक्वेंस में चाहिए तो कंट्रोल डी करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड ऑप्शन से मैं वापस अंडू कर रहा हूँ। और अगर आपको मैन्युअली यहाँ पे रोज और कॉलम्स की विड्थ या हाइट बढ़ानी है और कम करनी है तो आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कॉर्नर है, ये एक यहाँ पे जो एरिया है, जो ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसका जो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो मेरा कॉलम बढ़ रहा है, इसको मैं कम कर रहा हूँ तो मेरा कॉलम कम हो रहा है। और यहाँ से अगर मुझे रो बढ़ाना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ या मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम धीरे 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 सारे ऑप्शन सीखते जाएंगे। और इसको मैं जूम आउट करता हूँ, हम यहाँ पे जूम आउट करके, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, जूम आउट करके हम वो सारा डेटा देख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक फाइल बनानी है, हम नेम लिखते हैं, पेरेंट एज लिखते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं, आगे जैसे हमें किसी सेल, इस सेल में मैं हूँ, इस पर्टिकुलर सेल में हूँ, मुझे राइट हैंड साइड में या तो मैं एरो की यूज़ करूँगा, एरो लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन, तो मैं इसमें इसको नेविगेशन हम बोलते हैं कि नेविगेशन कैसे करता है। नेविगेशन हम एरो अप एंड डाउन और राइट और लेफ्ट से करते हैं। अगर मुझे आगे भी नेक्स्ट सेल में जाना है तो मैं टैब का कीबोर्ड पे जो टैब की है उसको यूज़ करके मैं आगे जा सकता हूँ। अब मैं अगर एंटर करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट रो में ले जाएगा, लेकिन मुझे उसी सेल में काम करना है जिसमें मैं हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, जैसे मुझे इस सेल पे एडिट करना है तो मुझे कंट्रोल एंटर दबाना है, तो फिर मैं उसमें कर पाऊँगा। कंट्रोल एंटर करके मैं उसी सेल में एडिट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं एंटर दबाऊँगा तो मैं नीचे आऊँगा, लेकिन जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मैं उसी में हूँ, और मैं राइट लेफ्ट एरो करता हूँ तो मुझे मूवमेंट मिलती है। और अगर हम कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा जो वर्कबुक है वो सेव हो जाता है। कंट्रोल एस इज अ शॉर्टकट टू सेव द प्रोग्राम। अगर मैं कंट्रोल राइट दबाता हूँ तो ये मुझे लास्ट कॉलम दिखाता है, जो यहाँ पे एक्स एफ डी है, जो कि 16,000 के करीब है। और अगर मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ, 10,00,000
48,576। तो ये अभी मेरे पास रोज़ अवेलेबल है काम करने के लिए। कंट्रोल अप दबाता हूँ तो मैं वापस 1 पे आऊँगा, कंट्रोल डाउन दबाऊँगा तो मैं 10,48,576 पे जाऊँगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ और ये अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है 16,000 के ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 10,00,000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो भी हमारे पास ये ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन अलग अलग काम करता है। जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स को पता है या आप लोगों ने भी, कई लोगों ने यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यूज़ किया होगा 2007 वर्जन यूज़ किया होगा, 10 किया होगा, 2013 या 2016 भी यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे बेसिक ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन, इन सब के नीचे एक छोटा सा राइट में एरो दिखाई देता है। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक्सटेंडेड ऑप्शंस दिखा देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शंस में हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसका एक्सटेंडेड वर्जन देगा। जैसे हमें नोटपैड में मिलता है सेम वैसे ही ऑप्शन में, जैसे हमें नोटपैड में मिलता है सेम वैसे ही ऑप्शन में यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकता हूँ, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन रखना है मुझे, बोल्ड रखना है, स्ट्राइक थ्रू रखना है, सबस्क्रिप्ट रखना है, क्या रखना है, नॉर्मल फॉन्ट रखना है, सब चीज़ें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। और ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन निकलता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अलाइनमेंट के एक्सटेंडेड सारे ऑप्शंस एक जगह आ जाते हैं, मैं यहाँ पे भी वो ऑप्शंस देख सकता हूँ। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर हम सिंपली एक, जैसा कि हम यहाँ पे बना रहे हैं सीरियल नंबर, तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। तो हम पहले सपोज हम किसी चीज़ का डेटा बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, इसको दोनों को सेंटर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑफिस डेटा एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको फॉन्ट सेलेक्ट करा, हम कोई और फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये सीरियल नंबर, जैसे कि अगर हमें सीरियल नंबर ना भी चाहिए तो हम नहीं भी डाल सकते, तो अगर आप चाहिए तो नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, जीओबी, क्वालिफिकेशन, ये बस मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी डेटा इसमें बना सकते हैं। रिमार्क्स, जैसे सीरियल नंबर मुझे थोड़ा सा छोटा चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखूंगा। मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा कुछ भी, ABC, XYZ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल है। तो अगर यहाँ पे पहले मैं हर कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और जो मेरी हेडलाइंस है टेबल की, इसको मैं पहले फॉन्ट चेंज करूंगा, आप कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं, और मैं इसको सेंटर, ये अलाइनमेंट मिडल में और अलाइन सेंटर में, ये मैं अपने पूरे डेटा को भी ऐसे ही करता हूँ। और यहाँ हमारा फॉन्ट में एक ऑप्शन है बॉर्डर्स का ऑप्शन, मैं इसको ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ, जैसे ये हाईलाइट हो जाता है बॉर्डर्स। तो ये मेरा एक
और अब यहाँ पे मैंने ये ज़्यादा कर दिया था, मैं इसको कम करके इसी टेबल के अकॉर्डिंग मर्जिन सेंटर यहाँ पे करूँगा। तो एक सिंपल टेबल मैंने यहाँ पे बनाया जिसमें मैंने डेटा ऐड किया, और यहाँ पे मैं नीचे अगर मुझे किसी चीज़ की स्टाम्प डालनी है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐसे मर्जिन सेंटर करूँगा और यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा। यहाँ पे अगर मुझे इस टेबल को, फिर अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट में जाके मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं अपने प्रिंटर यूज़ करके इसको प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप में भी प्रिंट कर सकता हूँ जहाँ में मेरा सारा डेटा आ रहा है। तो और जो हमारे पास ऑप्शंस है, होम में अलग है, इंसर्ट में अलग है, पेज लेआउट में अलग है, फॉर्मूलाज में अलग है, डेटा अलग है, इसमें रिव्यू है, व्यू है, और जब हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे इनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे रो हाइट चेंज कर सकते हैं, कॉलम हाइट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये सारे इस टेबल को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट, तो रो हाइट पे जाकर मैं डायरेक्टली 15 से 25 कर देता हूँ, तो मेरा ये जो टेबल है ये यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ, होम में हमारे पास क्लिपबोर्ड ऑप्शंस है जो कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर कट कॉपी पेज, जो भी डेटा हमारे पास अगर मैं कट पेस्ट करना चाहूँ कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी की मदद से, मैं वो कंट्रोल एक्स से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट, तो वो मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ कंट्रोल एक्स करता हूँ तो मेरा पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, और मैं यहाँ पे जाऊँ तो कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो वो यहाँ हो गया। और आगे यहाँ पे मैं फॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं साइज सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये जो ए अपवर्ड दिखा रहा है, ए डाउनवर्ड, यहाँ पे छोटा सा एरो दिखा रहा है, डिक्रीज फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट, यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ चीज़ों को। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ, बोल्ड करूँ, इटैलिक करूँ, जो थोड़ा सा इसको मूवमेंट दे देता है, अलाइनमेंट दे देता है, ऐसे 10 to इटैलिक फॉन्ट जैसे होते हैं, अंडरलाइन कर दूँ, और यहाँ पे मैं इनको बॉर्डर ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स कर दूँ, नो बॉर्डर कर दूँ, खाली राइट बॉर्डर, खाली लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ये हमारे ऑप्शंस फॉन्ट में है। अलाइनमेंट में हमारा ऑप्शन है अगर मैं इसको अलाइनमेंट टॉप पे करूं, मिडिल में करूं या बॉटम में करूं, लेफ्ट में करूं, अलाइन लेफ्ट हमारे पास कंट्रोल एल है, अलाइन सेंटर हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल ई, और अलाइन राइट करेंगे तो कंट्रोल आर। और यहाँ पे जो इंडेंट ऑप्शंस भी है, हमें अपने पेज को, अपने टेबल को अगर इंडेंट करना है, थोड़ा सा इंडेंट देना है, यहाँ से थोड़ा मार्जिन देना है, तो इंडेंट इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और हमारे पास ये ऑप्शंस है। अगर मेरे पास कोई डेटा, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके वर्टिकल टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो मेरा टेक्स्ट वर्टिकली ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे भी आएगा, ये मेरे ऑप्शंस है जो मैं हेडलाइंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। फॉर्मेट पे क्लिक करके मुझे सारी चीजें यहाँ पे मिल सकती है। अगर किसी एक सेल में मैंने डेटा ज्यादा डाल दिया, मैं चाहता हूँ कि डेटा विजिबल रहे, अब यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं ऐसे नहीं बढ़ाना चाहता, तो जो ये ऑप्शन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर है रैप टेक्स्ट, तो ये हमारा ऐसे दिखने लगेगा, तो ये विजिबल हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि किसी को इससे बेनिफिट मिल सकता है घर बैठे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमारे नीचे ये लिंक है वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं अबाउट व्हाट वी डू, और
मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की कमी की वजह से हम लोग शायद रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड ना कर पाए. एज सून एज वी गेट द 4G रेस्टोरेशन वी विल अपलोड मोर वीडियोस लाइक दिस. तो आई होप यू ऑल एंजॉय. थैंक यू सो मच.